हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और सब्जियों से भरा वेज पराठा बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं ये हमारा बहुत ही हेल्दी वेज पराठा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी, मैं बहुत ही बारीक कटा हुआ एक कप पत्ता गोभी डालूँगी और यहाँ पर मैंने एक कप जितना ग्रेट किया हुआ गाजर और आधा कप जितना ग्रेट किया हुआ बीट रूट और इसके बाद बहुत ही बारीक कटी हुई कैप्सिकम, मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी, एक टेबलस्पून जितना यहाँ पे मैंने तीखी वाली मिर्च ली है, आधी टी स्पून यहाँ पे मैं अदरक की पेस्ट लूँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर ले रही हूँ, इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लिया है, इसको भी मैंने यहाँ पे आधा कप जितना लिया है उसको डाल दूँगी और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना मोज़रेला चीज़ डाला है और आधा कप जितना यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया, टेस्ट अनुसार नमक, आधी टेबलस्पून यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर, आधी टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधी टेबलस्पून चाट मसाला, आधी टेबलस्पून यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला और इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। अगर आपके पास चीज़ या पनीर नहीं है तो आप इसमें एक मीडियम साइज़ का बॉयल किया हुआ आलू भी डाल सकते हैं, तो इससे ही हमारी स्टफिंग की अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें आलू नहीं डालना है, यहाँ पे चीज़ और पनीर से ही हमारी ये स्टफिंग की बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। बहुत ही हल्के हाथ से आपको सब्जियों को मिलाना है क्योंकि यहाँ पे मैंने नमक डाला है, नमक डालने से इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है। अब हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे, यहाँ पर मैं 1 कप जितना आटा लूँगी और इसमें मैं टेस्ट अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं तेल डालूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से आटे और तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं पहले आधा ग्लास जितना पानी डालूँगी। तो यहाँ पे हमें रोटी का आटा होता है बस उसी तरह का हमें आटा गूंदना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और पानी डालूँगी। तो 1 या 2 मिनट में ये हमारा आटा अच्छे से गूंज जाएगा और इसके बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना तेल डालूँगी और फिर से इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो ये हमारा आटा अच्छे से बन गया है, तो इसको मैं 10 या 15 मिनट के लिए कपड़े से ढककर साइड में रख दूँगी। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेंगे। इसके बाद इसको हम साइड में रख देंगे और हम पराठा बेल लेंगे। जब हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लुआ लेना है, थोड़ा सा बड़ा लुआ बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसको मैं इस तरह से लुआ बना दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊँगी। इसके बाद पराठे को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे को थोड़ा सा आधा सा बेल लिया है और इसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई थी तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से लुआ बनाते हुए बस इस तरह सा थोड़ा सा लुआ जैसा बना लेना है और इसके बाद पराठे के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जितना सब्जियों का स्टफिंग लिया है और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर इसको हमें बंद कर देना है और ऊपर का जो आटा होता है एक्स्ट्रा वो हम निकाल देंगे और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करते रहना है क्योंकि अंदर से जो स्टफिंग हमने रखी है वो पूरे पराठे में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा भी डालेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है।
इसके बाद ही यहाँ पे मैं पराठा बेलूँगी। अगर आपको पराठे बेलते समय बीच में से स्टफिंग निकल जाती है तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा दीजिए जहाँ पे स्टफिंग निकली है। और यहाँ पे मैंने पराठे को अच्छे से बेल लिया है, दोनों तरफ से इस तरह से बेल लेना है। हमारा पराठा बनके रेडी है तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा अच्छे से बेल लिया है, दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। अगर आप पराठा बनाते हैं और स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही निकल जाती है तो आप इसे इस तरह से भी बेल सकते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और इसको कॉर्नर की तरफ से अच्छे से बेल लेना है, पतला ही बेलना है कॉर्नर की तरफ से, बीच में नहीं बेलना है। बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है और कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा पतला बेलना है। तो आप जब भी आलू का पराठा बनाते हैं या कोई स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो बीच में से थोड़ा सा मोटा रखना है और साइड में से पतला बेलना है, इससे हमारी पराठे की स्टफिंग बाहर कम निकलेंगी। तो यहाँ पर भी मैं दूसरा पराठा उसी तरह से बना लूँगी और ये पराठा बनके रेडी है। तो इसको हम तवे पे सेक लेंगे। पराठे सेकते समय आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, इससे हमारी अंदर की सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाएंगी और ये हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। और यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और एक चम्मच जितना साइड में भी मैं डाल दूंगी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पराठा थोड़ा सा ऊपर से फूल भी गया है। तो इसको हम दूसरी तरफ पलटा देंगे, एक या दो मिनट में ये एक तरफ अच्छे से सिक जाएगा। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये हमारा पराठा बनके रेडी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पराठा अच्छे से बन गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका बीट रूट की वजह से इसका कलर भी अच्छा आया है। और दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से गैस के मीडियम फ्लेम ऊपर एक चम्मच तेल डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और इस पराठे को भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी दोनों पराठे बनके रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा रेड सा हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमें बीट रूट डाला है इसलिए। और इसको मैं इस तरह से काट लूँगी पिज़्ज़ा कटर से। तो यहाँ पे मैं आपको स्टफिंग दिखाऊँगी। पूरे पराठे में स्टफिंग अच्छे से लग गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी सब्जियों से भरा वेज पराठा बनके रेडी है। और आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियाँ यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी वेज पराठा बनके रेडी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वेज पराठा की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ ये रेसिपी को शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड वाले बटन पर क्लिक करके मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।